बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों सुपरपोजिशन वेव्स का हमारा 20 नंबर का लेक्चर है। आज बच्चों हम लोग बीट देखने वाले। बीट्स बीट्स क्या होता है? ढोल बजाता है बच्चों, ढोल, ये डूम डूम जो बड़ी आवाज है। अब लोग फेंट आवाज भी बोल सकते, ऐसे कोई बात नहीं, बीट्स यही नहीं, लेकिन हम लोग बोलते बीट्स मैक्सिमम ऐसे डूम 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 डूम, ये जो आवाज आ रही है बच्चों, इसको बीट्स बोलेंगे हम। तो सर, हम लोग बीट्स कौन से चीज को बोलना है? जहां आवाज बहुत जोर से आ रही उस चीज को, या जहां आवाज बहुत छोटी ऐसे डूम कम हो गई? देखो पहले डूम हो गई कम, डूम हो गई कम, पहले बड़ी, ये भी बीट्स बोल सकते बच्चों। और जहां आवाज फेंट हो जाती, बहुत कम हो जाती, इसको भी बीट्स बोलेंगे। देखेंगे आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लेना बच्चों, बीट्स को आज डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और जो इसकी इक्वेशन है उसके लिए कल बात करेंगे। हाँ, लेकिन आज इक्वेशन कैसे तैयार होंगी इसके लिए बहुत जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है बच्चों। अगर इस वीडियो पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं आज के लेक्चर को, सुपरपोजिशन वेव्स का आज 20 नंबर का लेक्चर से बीट्स के बारे में। सबसे पहले बीट्स क्या होती है? तो कुछ नहीं बच्चों, जिसका एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट हो। हम लोगों को दो वेव्स लेना है, दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी साइडली, बहुत ज्यादा नहीं, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लेना है लेकिन कैसे, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेना है और इस दोनों वेव्स का बच्चों डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेव्स को हम लोग बीट्स बोलेंगे। ऐसे चीज को क्या बोलेंगे? बीट्स बोलेंगे। मतलब देखो यहां पे लिखा है व्हेन देयर इज द सुपर पोजिशन, हाँ, दो वेव का मिलना, उसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है हमने, याद है आप लोगों को? स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन याद है बच्चों, स्टेशनरी वेव्स बोला था मैंने, याद है ना? वैसे है लेकिन थोड़ा अलग है बच्चों। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये भी इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो इसमें बताया मैंने, व्हेन देयर इज द सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कैसे बच्चों, सेम लेना है। फ्रीक्वेंसी कैसे होना चाहिए बच्चों, साइडली डिफरेंट होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए बच्चों। स्टेशनरी वेव में ऑपोजिट डायरेक्शन था, याद रखना। और जब इन दोनों वेव्स को मिला के, दो वेव्स को मिला के जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी साउंड की, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं बीट्स। इस इवेंट्स को, इस फेनोमेनन को बीट्स कहते हैं। बात समझ में आ रही? दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी साइडली डिफरेंट होना चाहिए, दो वेव का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए, समझ में आ रहा है? और इन दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो वैरी हो रही है पीरियोडिकली, इस इवेंट्स को हम बीट्स बोलेंगे। ओके, कोई टेंशन बच्चों। ऐसे कई कई बुक्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी वाली है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा बच्चों, वो हम लोग कोई बुक्स में आपको 16 हर्ट्ज, मेरे ख्याल से एससी वर्मा सर हमारे 16 हर्ट्ज देते, कोई बुक्स में 6 भी, कुछ बुक्स में 10 हर्ट्ज भी दिया, हम लोग 10 हर्ट्ज मान रहे हैं। देखो ये अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी, आपकी टेक्स्ट बुक तो नहीं दिया है लेकिन पता होना चाहिए बच्चों। ज्यादा कितना होना चाहिए? 10 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए। अब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इस बीट्स में और स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम लोगों को आज के वीडियोस में बता दो। चलो मैं बता रहा हूं बच्चों आपको, यहां पे स्टेशनरी वेव्स के बारे में बात करेंगे या स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग में बोलते हैं ना हम लोग, हाँ स्टैंडिंग वेव, और यहां पे बीट्स की बात करेंगे बच्चों, ठीक है? नंबर वन बच्चों, सबसे पहले जो डिफरेंस बिटवीन है हमारे पास वो ये है कि ये दो जो वेव्स है बच्चों, ए एक वेव का डायरेक्शन इधर, एक का एक, मीडियम सेम था बच्चों लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था। मतलब डायरेक्शन जो है टू वेव्स का, ये कैसे है बच्चों? अपोजिट है, नंबर वन। इसमें सबसे खासियत ये है बच्चों कि दोनों भी वेव्स का डायरेक्शन सेम है बच्चों। डायरेक्शन कैसे है? सेम डायरेक्शन है। बात ध्यान में आ रही बच्चों, इन दोनों वेव का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा। नंबर दो चीज बच्चों,
दूसरी, यहां पे फ्रीक्वेंसी एफ टू इज इक्वल टू एफ वन सेम फ्रीक्वेंसी होना बहुत जरूरी है स्टैंडिंग वेव्स में। और बीट्स में क्या है बच्चों, यहां पे जो है ये साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मैंने लिखा भी है, देखो यहां पे होगा बच्चों, यहां पे मैंने लिखा होगा कि यहां पे जो है देखो दिख रहा है आप लोगों को, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम लोग इसका डिफरेंस निकाल रहे थे। बात समझ में आ रही बच्चों, क्या क्या डिफरेंस है ये समझ में आ रहा है? कोई आप लोगों को ऐसी बात नहीं होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है ये साइडली डिफरेंट, बहुत ज्यादा चलती है क्या, कितना, इतना, मतलब बच्चों जितनी कम डिफरेंस है उतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस होगा, उतना दुम आवाज ज्यादा होगा। मतलब बच्चों किसी ने बताया कि चलो कि इन दोनों का डिफरेंस बच्चों एक हर्ट्ज है, तो अच्छी फ्रीक्वेंसी मिल रही है बच्चों, मतलब डिफरेंस अच्छा मिल रहा है, कम है, जितना साइडली डिफरेंट मतलब जितना डिफरेंस कम उतना हमारा आवाज जोर से आएगा। किसी ने बताया कि चलो ये बताओ कि इसमें 15 है, नहीं बच्चों ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इतना डिफरेंस चलेगा इतना बहुत बड़ा होगा, तो यहां पे साउंड ही नहीं मिलेगी हम लोगों को। अगर आप लोग चाहते हो, मुझे साउंड बहुत अच्छी तरह से चाहते हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंट है वो साइडली बहुत कम होना चाहिए, जितना कम उतनी हमारी साउंड दुम दुम सुनाई देगी, है ना, सराज क्या बैंड बजा रहे हो हमारा। तो बात समझ में आ गई दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, डिफाइन समझ में आ गया बच्चों। बिट्स क्या होती है? जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी साइडली डिफरेंट हो, दो वेव का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब बच्चों हम लोग इसको बिट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं, मतलब इन दो वेव का अब पता लगेगा बच्चों, इसके बारे में और डिटेल में बात होगी तो अब आपको और भी पता लगने वाला है। तो हम लोग ने क्या बच्चों दो इक्वेशन लेंगे और बात करेंगे थोड़ी डिटेल्स में, ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आप देखो कि मैं यहां पे अलग अलग दो अलग अलग इक्वेशन लिखो, क्या बच्चों आपको स्टैंडिंग की इक्वेशन याद है बच्चों कि यहां पे y1 इज इक्वल टू 8 एम्पलीट्यूड सेम है साइन ट्वाइस पाई, याद है बच्चों n1t माइनस x बाय लैम्बडा, याद है, याद आ रहा है मेरे भाई? देखो एम्पलीट्यूड सेम है, दूसरी जो वेव्स है ये a साइन ट्वाइस पाई n2t माइनस x बाय लैम्बडा। कोई शक है भैया? अरे मैंने a1 a2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेम है कोण, एम्पलीट्यूड, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए n1 n2 लिखना पड़ रहा है मुझे, ये मेरे पास इक्वेशन से बच्चों। अब मैंने टोनिक फोर्क लिखा था, याद है सोनोमीटर के, इसमें मैंने तो एक डायग्राम भी दिखाई बच्चों, ये दो ट्यूनिंग फोर्क लिखे, ये एक एक, समझे? कोई टेंशन है बच्चों, इसका जो इक्वेशन है y1 है बच्चों, और इसका जो इक्वेशन है y2 इक्वेशन है। बात तो समझ में आ रही मेरे भाई? इसका इक्वेशन y1 का, ये y2 वाइब्रेशन हो रहा है बच्चों। यहां पे समझो फॉर एग्जांपल, यहां पे आप खुद खड़े हो, वाह यहां पे खुद खड़े हो, और इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चों, यक्स कितना है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चों, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं। हमारे इसमें डिफाइन में बताया गया है कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, वेवलेंथ साइडली डिफरेंट होना चाहिए, क्या इसकी कोई कहानी बताई गई है? बिल्कुल नहीं बच्चों। तो इसी इक्वेशन को y1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू जीरो रखा तो a साइन ट्वाइस पाई n1t और y2 की इक्वेशन a साइन ट्वाइस पाई n2t, ऐसे दो इक्वेशन टू सुपर पोजिशन को मुझे मिलना है बच्चों। मतलब ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये पार्टिकल पहले इसका डिस्प्लेसमेंट जा रहा है तो ये वाइब्रेट होगा, इसका भी आ रहा है ये भी वाइब्रेट होगा, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है ये मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट उसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस पार्टिकल पे कितना हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका ढोल होगा, ये ढोल पे मैंने मारा जूम, है ना, ऐसे दुडुम दुडुम, ऐसे आवाज आएगी कि नहीं, तो कितनी आवाज है? इसका इक्वेशन दोनों का सुनेगा और कौन से फ्रीक्वेंसी से यहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही भैया? कोई टेंशन है, आगे बढ़ नहीं है, इक्वेशन को आगे बढ़ाना है। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा बच्चों, x इज इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि यहां पे ये ऑब्जर्वर है और ये x इज इक्वल टू जीरो पे है, इसलिए बच्चों मैंने क्या किया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है देखो ये है y, ये टाइम के साथ वेरी होगा, ये पहले जूम एक
दो तीन ऐसे मानो, है ना। देखो एक दो तीन, अब देखो ये भी पार्टिकल्स आपकी बुक्स में थोड़ा ज्यादा व्यूज दी वाली है और नीचे से लिए वाले बच्चों, ठीक है, आपकी इसमें बुक्स में नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो तीन चार पांच छ सात, है ना। देखो ये एक दो तीन, ये एक दो तीन चार पांच, बस इतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब मेरी थोड़े आगे पीछे होगी, समझ लेना, ओके। अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, इस इक्वेशन है y1 का, ये y2 का, ये इसकी वेव्स है। आप लोगों को फ्रीक्वेंसी देखो, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, इसका भी एम्पलीट्यूड और इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है बच्चों, समझो। ये वन है, ये माइनस वन है, यहां पे भी वन है प्लस, यहां पे एम्पलीट्यूड दोनों का इसका और इसका सेम है बच्चों, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा पूछा, तो इसकी। क्यों है बच्चों? नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये एक सेकंड में ये तीन रिवॉल्यूशन हो रहे, मतलब 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर किसी ने पूछा आपको F1 बोलेंगे इसको या N1 बोलना है, मैंने N1 बोला, चलो तो N1 की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज, इसकी 1 2 3 4 5 है, तो इसकी एक सेकंड में बच्चों जो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। आपको पूछा कि दोनों के फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ रहा है 5 - 3 - 2 हर्ट्ज, मतलब अच्छी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मुझे 10 हर्ट्ज के नीचे और 1 2 ये अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, डिफरेंस अच्छे डिफरेंस मिला है, मतलब कम डिफरेंस होना चाहिए, ये कहना है मेरा, अच्छा मतलब कम होना चाहिए, अच्छी बात है बच्चों। इससे क्या हुआ है कि इन इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे जूम, अब मैं थोड़ा कम निकाल रहा हूं, समझ लेना बच्चों, ओके। इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो 2 ही लूप साइज बन गया। अब इसका देखो, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, तो यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका इसका मिला के बच्चों पार्टिकल यहां गया, इसका इस पार्टिकल, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ये देखो, ये आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है? अब मैं इतनी अच्छी डायग्राम निकाल पाऊं नहीं पाऊं इसकी कोई तो गारंटी नहीं है मेरे पास, लेकिन कोशिश तो करूंगा मैं, कोशिश नहीं छोड़ेंगे हम लोग ये। हाँ सर, अब अच्छा लग रहा है। चलो मान लो कि यहां पे मेरे 2 ही लूप क्यों निकाले, क्योंकि बच्चों 2 ही बार यहां पे मेरे डिफरेंस निकाल रहा है, ठीक है, मतलब बच्चों यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब यहां पे मैक्सिमम साउंड की इंटेंसिटी मिल रही है, और यहां पे बच्चों देखो एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, यहां पे छोटा है, यहां पे छोटा है, तो यहां पे मी नी मम इंटेंसिटी है बच्चों, किसकी? इस पार्टिकल की, इसकी इसकी, और यहां पे और यहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली बच्चों। ये चीज को भी नाम रखा गया है बच्चों, इसको कहते हैं वैक्सिंग, क्या कहते हैं? वैक्सिंग, और इस चीज को कहते हैं बच्चों क्या? वैनिंग, समझे? वैक्सिंग और वैनिंग की डिफाइन समझ में आ रही बच्चों? मैं डिफाइन आपको लिख के दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों, लेकिन मैं फिलहाल मैं आप लोगों को इसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब बच्चों नंबर्स ऑफ बीट इन वन सेकंड, नंबर्स ऑफ बीट इन वन सेकंड में क्या हो रहे हैं, ऐसे लिख सकते बच्चों, नंबर्स ऑफ बीट इन वन सेकंड, या बीट फ्रीक्वेंसी नाम है बच्चों इसका, क्या है? बीट फ्रीक्वेंसी। क्या मिल रही मुझे? 5 - 3 = 2 हर्ट्ज, तो ये 2 बार ऐसे डुम आवाज आ गई, बाद में कम हो रही, देखो मेरी एक बार आवाज बड़ी आ रही है, बड़ी, बाद में छोटी हो रही है, बाद में डुम, मतलब एक सेकंड में 2 बार आवाज बड़ी होगी और 3 बार कम हो रही है, यहां पे दिखाई दे रही, देखो मेरी आवाज ये डुम डुम, मतलब एक सेकंड में 2 बार मेरा एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया बच्चों, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही, मतलब साउंड की जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले उस चीज को वैक्सिंग बोलना है, वैक्सिंग, और वैनिंग किसको बोलना है? जहां आवाज फेंट हो गया, बहुत कम हो गया, मेरा आवाज बहुत ही लूज, मतलब सुन ही नहीं दे रहा, ऐसे कंडीशन को हम लोग वैनिंग कहा जाता है, क्या कहेंगे बच्चों? वैनिंग, समझ में आ रहा है? वैक्सिंग वैनिंग क्या है, क्या नहीं चीज, और नंबर्स ऑफ बीट इन वन सेकंड, ये जो आपको डिफाइन भी लिख के दूंगा मैं, इन पर सेकंड ऐसे लिखेंगे वहां पे, इसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ये सभी चीजें बच्चों। और बाद में क्या होगा बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सुपरपोजिशन निकालना है तो y1 प्लस
है ना वाई टू। बच्चों इन दोनों को सम करते हुए बाद में हम लोग बिट क्या जो इक्वेशन होगा उसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को डिफाइन के तौर पे पढ़ा रहा हूं, मैं समझा के दे रहा हूं कि इन दो वेव्स को देखो डायरेक्शन सेम है, इसका भी डायरेक्शन है इसका भी डायरेक्शन है, पार्टिकल तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करे जुम 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 जा, खाली यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पार्टिकल की वाइब्रेट करने की, यहां पे कम है, साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये पार्टिकल इस ट्यूनिंग फोर का भी सुन रहा है, इसका भी सुन रहा है, और इन दोनों से हमारे जो बीट्स, बीट्स क्या है एक्चुअल में, जो दुम आवाज आ रही है, दुम दुम है ना आवाज जो आ रही है बच्चों, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, इसी को बच्चों हम लोग बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? बीट्स कहते हैं। हाँ सर, आवाज कैसे निकालते हो? बीट्स कहते हैं। इन दोनों को मिला के ये बनाया मैंने, जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी है मैक्सिमम मिनिमम, इसी को बीट्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही बच्चों? ये एक्स इज इक्वल टू जीरो क्यों रखा है? क्योंकि इसका कोई काम नहीं है हमारे इसमें, इसका कोई काम नहीं है, इन दोनों से ये दो इक्वेशन बना दिए, इनका रिजल्टेंट निकाला है, और ये दोनों का देखो इसका और इसका सम किया मैंने, दोनों का रिजल्ट निकालते हुए कुछ ठिकाने पे मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बाद में कम 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 हो रहा है, मतलब साउंड मेरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा दोबारा, बाद में और कम 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 साउंड हो रहा है, ये बात है बच्चों। कोई शक समझ में आ रहा है बच्चों? चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आपके लिए बच्चों मैंने डिफाइंस लिख के रखी है। वैक्सिंग क्या होता है याद है बच्चों? अभी आप लोगों के सामने मैंने ये चीज लिख के रखी थी, याद है? तो मैंने बोला था आपको कि यहां पे क्या होता है क्या नहीं, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। तो यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी बच्चों ये साउंड की, ठीक है बच्चों? ये चीज को हमने वैक्सिंग बोला था, मतलब व्हेन द बीट, जहां बीट ऑकरेंस करता है मतलब तैयार करेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड की, वहां पे हम लोग वैक्सिंग बोलेंगे। समझ में आ रहा है? वैनिंग किसको बोलना है? यहां मिनिमम है, देखो बच्चों इंटेंसिटी यहां मिनिमम है बच्चों, यहां मिनिमम है, तो इस मिनिमम चीज पे जब इंटेंसिटी आती है ऑकरेंस होती है, मतलब वही डिफाइन, व्हेन बीट्स आर फॉर्म ऑकरेंस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी हो, मिनिमम इंटेंसिटी नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द, इसको वैनिंग कहेंगे, वैक्सिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, बस एक वर्ड ध्यान में रखना। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड भी लिखा तो भी चलेगा, दोनों का मीनिंग सेम है, ओके? वन बीट क्या होती है बच्चों? एक वैक्सिंग के बाद एक वैनिंग, जैसे कि एक नोड पता है ना, एक एंटी नोड, वैसे वन वैक्सिंग अ सक्सेसिव वैनिंग, जब वैक्सिंग तैयार हो और बाद में एक वैक्सिंग टुगेदर जब आते कॉन्स्टिट्यूट वन बीट्स, उसको वन बीट, एक वैक्सिंग होना चाहिए और वन उसके बाद में का, तीसरा चौथा नहीं चलेगा बच्चों, मतलब पहले वैक्सिंग है बाद में वैनिंग, या वैनिंग के बाद वैक्सिंग, कंटिन्यूटी में होना चाहिए, तब बच्चों हम लोग वन बीट कहते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर्स ऑफ बीट हियर पर सेकंड, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों अभी, जैसे कि 5-3 तो 2 हर्ट्ज मुझे इसका डिफरेंस मिल रहा था, याद है हम लोग एन की बात कर रहे हैं, N2-N1 ये अभी किया था, मतलब बच्चों वन यहां पे उन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर्स ऑफ बीट हियर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने बार हुआ था, 2 बार, एक बार ये और एक बार यहां पे, आपको पता है बच्चों अभी मैंने करके दिया, तो दो बार हुआ था, तो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बच्चों इसके, समझ में आ रही है? इसको बीट फ्रीक्वेंसी कहना है, दोनों के बीच में, किसके, दोनों के बीच में की जो फ्रीक्वेंसी है, जो साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो वो फ्रीक्वेंसी बच्चों इसी को वन या बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। पीरियड ऑफ बीट्स क्या कहेंगे? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग एंड वैनिंग, मतलब जो टाइम इंटरवल है बच्चों, दो सक्सेसिव, एक वैक्सिंग के बाद एक वैनिंग, जो पीरियड लगता है उसको, जो टाइम लगेगा उसको कवर करने में, जैसे कि दुम, ये हो गया बच्चों आपका पीरियड ऑफ बीट्स, दुम, देखो मेरी स्टार्ट से चालू करना है, उसका पीरियड कितना, कितने सेकंड लगे, दुम सर 2 सेकंड लगे, तो ये हो गया बच्चों इसका 2 सेकंड का पीरियड ऑफ बीट्स कहेंगे उसको,
मतलब एक वैक्सिंग के बाद एक वैनिंग कब आया, जब मैक्सिमम साउंड से मिनिमम पिंच साउंड कब हो गया, मेरा जीरो साउंड ऐसे बोलो तो ये कब हो गया, इसी चीज को बच्चों हम लोग बोल सकते हैं पीरियड ऑफ बिट्स। बच्चों इसके बाद में हम लोग बिट इक्वेशन तैयार करेंगे, बहुत ही बढ़िया इक्वेशंस है, उसको प्रूव करके देंगे। आज का नॉलेज अगर पता हो तो ही कल का लेक्चर समझ में आएगा, इसलिए ज्यादा शेयर करना है बच्चों, लाइक करना है और पढ़ाई करते रहना है। नोट्स भी प्रोवाइड किए, जाके आप लोग देखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।